देखो हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर जो मैंने कल एक्सप्लेन की थी तुम्हें, ठीक। इसमें क्या था, ये इस तरह का सेटअप था। करंट जो इंड्यूस हुआ था इस आर्म में, डी से सी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ था। यहाँ कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट इधर को आएगा, ठीक है। इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि बी सी जो है वो परपेंडिकुलरली कट नहीं कर रही है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को। ए बी परपेंडिकुलरली कट हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इसमें मोशन की वजह से करंट इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन होगा ये। देखो करंट ऐसे चल के इधर से चल के इधर से ऐसे आ रहा है। जो ये आर्म ए बी का एक एंड है वो कहाँ कनेक्टेड है, आर वन पे कनेक्टेड है। देखो ये आर वन पे कनेक्टेड है, आर टू के अंदर से निकल के आया ये वायर आर वन में कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन पे करंट बाहर आएगा बी वन से ना, तो ये बी वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बी वन पॉजिटिव हो गया तो बी टू क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक। ये मैंने तुम्हें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगवा दिया था आर्म ए बी और आर्म सी डी में। ये है हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल। अब इस फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमें वर्किंग में लिखना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे शीट नंबर 59 में। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है इनिशियली द रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी इज इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, ठीक है। रोटेट द कॉइल विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो कॉइल है उसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है। एज द कॉइल रोटेट एंटी क्लॉक वाइज द आर्म ए बी मूव्स डाउनवर्ड, 57 फिगर में आर्म डाउनवर्ड मूव कर रही है ए बी, एंड द आर्म सी डी मूव्स अपवर्ड, जो ए बी वाली साइड है इस तरफ थी ना, ये डाउनवर्ड और ये सी डी वाली साइड अपवर्ड मूव करेगी। When the coil moves anti-clockwise, it cuts the magnetic field line perpendicularly. Magnetic field line north से south है और ये ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है ऊपर को ऐसे करके ऐसे, है ना, तो perpendicularly कट कर रही हैं। Due to which the current is induced in the two arm AB and CD. इनके direction वहाँ बता दिए। No current is induced in arm AD and BC. जो AD arm थी, ठीक है, और BC arm थी, इनमें current induced नहीं हुआ। केवल कहाँ induced होगा, इस वाली arm में और इस वाली arm में, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्म ए बी, ए बी वाली आर्म में डायरेक्शन क्या था, ये ए बी थी ना, बी से ए की तरफ, एंड इन द आर्म सी डी कहाँ से, डी से सी की तरफ। ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ऐसे थे ना, बी से ए की तरफ और सी से डी की तरफ, है ना। ये आर्म पूरी नहीं थी, इस तरह से कनेक्टेड है। आर्म ए बी इज कनेक्टेड टू रिंग आर वन, देखो 57 फिगर में ये आर वन से कनेक्टेड है, ठीक है। आर वन से कनेक्टेड है सो आर वन बिकम्स पॉजिटिव। अगर आर वन पॉजिटिव हो गया तो आर टू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये हाफ रोटेशन हो गया हमारा, हाफ रोटेशन में क्या था, आर वन पॉजिटिव था, आर टू नेगेटिव था। अब बारी आएगी नेक्स्ट हाफ रोटेशन की। आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल कम्स इन द पोजिशन एज शोन इन फिगर 58। ये देखते हैं अगले वीडियो में।